न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, करो या मरोगे इस मैच में। क्या न्यूजीलैंड जीत जाएगी या पाकिस्तान हो जाएगी बाहर। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, क्या ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड को हराने वाली है। इंग्लैंड लाने वाली ऑस्ट्रेलिया की राह में थोड़ी सी मुश्किलें। क्या कुछ रहेगा इन चारों ही टीमों की प्लेइंग 11, और क्या कुछ रहेगा बेंगलोर और अहमदाबाद की इस पिच का मिजाज, और क्या रहेगा टॉस दोनों ही मैचों में इंपॉर्टेंट। इन सब बातों पर करके चर्चा इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। जल्दी से बात कर लेते हैं दिन के पहले मैच की, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ, बहुत ही बड़ा ये मैच है और आज का दिन करो या मरो वाला ही है दोनों ही टीमों के लिए। जब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच डिफाइन करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है और कौन सी टीम यहाँ से घर जा रही है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो उसका आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं न्यूजीलैंड अगर ये मैच हार भी जाता है तो भी उसके पास थोड़ा सा चांस रहेगा कि अपना लास्ट मैच एक अच्छा जीता जाए और एक अच्छे रन रेट से जीता जाए तो भी वो क्वालिफाई कर जाएगा, पर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस मैच के ग्राउंड की। जी हाँ, ये मैच खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में और ये बेंगलोर की पिच। जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले जो ध्यान आता है वो ये हाई स्कोरिंग मैच ये होने वाला है, और यहाँ पर जो भी टीम 280 से नीचे मारती है तो उसका जी कम मारती है, उसका स्कोर डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रनों से भरी बेंगलोर की ये पिच एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच देने वाली है। वहीं ये मैच दिन का है तो टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने नहीं वाला है। अगर ड्यू की बात करेंगे वहीं टॉस इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो आंख बंद करके यहाँ पे चेस करने वाली है, और दोनों ही टीमें जबरदस्त हीटरों से भरी हुई है, उम्मीद करेंगे ये एक अच्छा मैच देखने को मिले। वहीं पाकिस्तान तो अपने प्लेयर्स बैट्समैन से थोड़ा सा है परेशान क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है, लास्ट मैच बड़ी मुश्किल से जीते। वहीं न्यूजीलैंड सामने हैं जिसके सारे बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, गेंदबाजी हो या बैटिंग दोनों ही तरफ से कर रहे हैं जबरदस्त बल्लेबाजी, पर शुरू के चार मैच जीतने के बाद लास्ट के तीन मैच हार के आ रही है। वहीं सामने पाकिस्तान है जो शुरू के मैच जीतने के बाद लगातार हार के बाद अभी लास्ट मैच जीत के आ रही है, तो दोनों ही टीमें लगभग सेम फेस से गुजर रही है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, तो चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं दोनों ही टीमें, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था कि वही पाकिस्तान जीत के आ रही है तो उधर से तो कोई चेंजेस देखने को मिलने नहीं वाले। वहीं न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, जब मैट हेनरी थोड़े से इंजर्ड दिख रहे थे लास्ट मैच में, वहीं फर्गसन पहले ही इंजर्ड थे उनकी जगह पर साउथ ही दिख रहे थे, तो उम्मीद है कि अगर हेनरी फिट नहीं होते हैं तो कायले जेमिसन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के रिजल्ट की, तो जो भी टीम यहाँ पे चेस करने वाली है दोस्तों मुझे लगता है वो कल जीतने वाली है, और इस मैच में जो मेरी फेवरेट है और जिसको मैं सपोर्ट करने वाला हूँ वो है न्यूजीलैंड। आप भी कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब जिनके दूसरे मैच की, जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने होगी, जहाँ इंग्लैंड लगातार हारने के बाद इस वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया शुरू के मैच हारने के बाद राह पर लौट आए और अभी उसके पूरे पूरे चांसेस है कि उससे फाइनल क्वालिफाई कर दे। वहीं इंग्लैंड अगर ये मैच जीती है तो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर जिस तरीके से इंग्लैंड की फॉर्म चल रही है मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी मुश्किल होने वाला है। वहीं अहमदाबाद का ये ग्राउंड जबरदस्त सजा होगा एक बार फिर से, यहाँ पर आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। दिन का ये मैच होगा तो टॉस भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी टीम यहाँ पर 280 से ऊपर मार दिए वो यहाँ पर थोड़ा स्कोर डिफेंड कर सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको चेसिंग वाली टीम ही दिखने वाली है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की, तो इंग्लैंड दोस्तों बड़ा ही मुश्किल फेस से गुजर रही है, जहाँ ना बल्लेबाज साथ दे रहे हैं, ना फील्डर साथ दे रहे हैं, ना गेंदबाज साथ दे रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया दोस्तों जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, ट्रेविस हेड के आने से जबरदस्त हो जाती है ओपनिंग, वार्नर भी फॉर्म में, स्टीव स्मिथ, सारे ही प्लेयर ऑलमोस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दिक्कत की बात ये हो गई कि मिचेल मार्श जो है घरेलू काम के कारण वो जा रहे हैं वापस, वहीं ग्लेन मैक्सवेल जो कि फॉर्म में चल रहे थे वो भी इंजर्ड, गोल्फ खेलते हुए इंजर्ड, तो उनका भी खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मिचेल मार्श का रिप्लेसमेंट तो स्टॉइंस हो जाएंगे। वैसे अगर मैक्सवेल नहीं भी खेलते तो आपको वहाँ पर भी कैमरन ग्रीन खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर सजी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जबरदस्त हीटर है इनके पास, तो दिक्कत की कोई बात होने नहीं वाली है। वहीं गेंदबाजी में चल रहे हैं सारे ही बॉलर फॉर्म में, जंपा ने भी दिखाया बैक टू बैक विकेट लेके, तो भैया मज़ा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आई है। वहीं दोस्तों दोनों ही टीमों में आपको चेंजेस यही देखने को मिलेंगे, इंग्लैंड की तरफ से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच के रिजल्ट की, तो इस मैच में जो भी टीम चेस करेगी वो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेगी जीतने वाली है, पर इंग्लैंड की जिस तरीके से फॉर्म चल रही है लग नहीं सकता है कि वो ये मैच जीतेगी। वहीं दोस्तों इस मैच में जो मेरी फेवरेट है मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने वाली है। आप भी कमेंट करके जरूर आपको क्या लगता है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।